हेलो पुरीज, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज हम बनाना सीखेंगे सुपर फ्लफी मॉइस्ट और टेस्टी लेमन कोकोनट केक की रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे बिना अंडे के। तो लेमन कोकोनट केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप के जितना फ्रेश दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, 1 से 2 दिन का भी है, अगर बहुत खट्टा नहीं है तो आप बना सकते हैं। 1 कप के ही जितना मैंने नॉर्मल घर वाली चीनी ऐड कर दी। अब आपको तब तक इसको मिक्स करना है जब तक चीनी एकदम अच्छे से घुल ना जाए दही के साथ। फिर जब चीनी घुल जाएगी दही के साथ, तो आपको इसमें 1/2 कप के जितना कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल ऐड करना है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ना हो। जैसे सरसों का तेल हो गया, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो गया, वो नहीं ऐड कर सकते। आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल और जैसे रिफाइंड ऑयल आता है, सोयाबीन का तेल होता है, आप वो सब ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी सोयाबीन का तेल था, तो ये मैंने 1/2 कप के जितना ऐड किया। इसको अच्छे से मिलाइए। 3 से 4 मिनट में तेल एकदम अच्छे से दही और चीनी के मिक्सचर के साथ घुल जाएगा। आपको तब तक इसको मिक्स करना है जब तक तेल एकदम अच्छे से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। जैसे अभी आपने डाला, ऊपर तैर रहा है, इसको आपको तब तक मिक्स करना है जब तक तेल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए एकदम अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। और दही भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है तेल की वजह से। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस। इसे भी मिक्स कर देंगे। क्योंकि हम लेमन कोकोनट केक बना रहे हैं, तो लेमन और कोकोनट का बहुत अच्छा फ्लेवर होना चाहिए। तो लेमन का फ्लेवर लाने के लिए मैं जूस भी ऐड करूंगी नींबू का, और साथ में नींबू का जो छिलका होता है ना, उसका पीला वाला हिस्सा आपको ऐड करना है। तो मेरे पास इस तरीके से पीलर था, मैंने इसको कर लिया। अदरवाइज़ अगर आपके पास जैसे कोई भी कद्दूकस की प्लेट भी हो ना, तो बारीक वाले से आपको हल्के हाथ से इसको घिसना है, ताकि सिर्फ पीला वाला हिस्सा है, सफ़ेद वाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो आपके केक को कड़वा कर देगा। तो मैंने 2 नींबू का पहले से निकाल के रखा है छिलका, ये मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं सिर्फ पीला वाला हिस्सा ऐड कर रही हूँ, तो सावधानी से आपको निकालना है कि सिर्फ पीला वाला ही हिस्सा है। इससे एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। अब 2 नींबू का जूस भी मैं ऐड कर रही हूँ, जिनका मैंने छिलका निकाला था उन्हीं का मैंने जूस भी ऐड कर दिया। अच्छे से मिला दें। अब हम देख लेते हैं कि हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान के लेना है, ताकि काफ़ी लाइट केक बने, क्योंकि एरेशन क्रिएट होता है इससे। 1 कप के जितना मैदा मैंने नाप के रखा था, 1/2 कप के जितना अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास अरारोट नहीं है तो आप 1/2 कप मैदे की क्वांटिटी और बढ़ा दें। 1/2 कप के जितना ये नारियल का बुरादा मैंने रखा है, यानी कि डेजिकेटेड कोकोनट, उसको बाद में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग सोडा छान लें, और पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर दें। ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। 1 चम्मच के जितना अलग निकाल लें, क्योंकि हम इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को कभी भी डायरेक्टली नहीं ऐड करते। तो मैंने बादाम भिगो के रखा था 1/4 कप के जितना, जिसका छिलका हटा के मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, और 1/4 कप के ही जितना ये टूटी फूटी लिया है मैंने, इसको एक बार इस तरीके से मैदे से कोट कर देंगे। तो जब आप इसको केक के बैटर में मिक्स करोगे ना, ये नीचे सिंक होके बैठेंगे नहीं। फिर अब वेट इंग्रेडिएंट्स में आपको ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले 2-3 चम्मच डालना है, और रफली इस तरीके से मिक्स करना है। फिर इसके बाद हम कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको ऐड करेंगे, ताकि जो आपका केक है वो काफ़ी लाइट बने। केक के बैटर पे आप जितना लाइट हैंडेड काम करोगे ना, यानी कि जितने हल्के हाथ से काम करोगे, आपका केक उतना ही फ्लफी सॉफ्ट बनेगा। तो कट एंड फोल्ड इसी तरीके से होता है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कंटिन्यूसली आपको जो बोल है उसको घुमाते हुए बीच से कट करना है, फिर फोल्ड करना है, फिर कट करना है, फिर फोल्ड करना है। तो ड्राई मिक्सचर को आपको 2 से 3 बैचेस में ऐड करना है। ये देखिए, कट फोल्ड कट एंड फोल्ड। तो इसी तरीके से आपको बाकी का भी मिला लेना है। जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, तो इसमें हम जो बादाम और टूटी फूटी रखा था उसको ऐड कर देंगे, और उसी के साथ ये 1/2 कप के जितना डेजिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा भी ऐड कर देंगे। क्योंकि लेमन कोकोनट केक है, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्सचर भी आ जाता है। ये मैंने बादाम और टूटी फूटी ऐड कर दिया। अगर आप इसको
अवन में बेक करना चाहते हो ना, तो इन प्री हीटेड अवन 180 डिग्री पे आपको 40-45 मिनट्स लगेंगे। आप एक टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके चेक कर सकते हो। आज मैं आपको पैन या कढ़ाई में बता रही हूँ, यानी कि गैस पे। ये 1 kg का पैन मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा के फिर उसके ऊपर मैंने चीनी और नारियल के बुरादे से डस्ट किया है, मैदा नहीं स्प्रिंकल किया है। इससे जो मतलब इसकी आउटर लेयर रहेगी ना, वो बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। आप एक बार करके देखेगा तो बाहर वाली लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है खाने में, तो इसीलिए मैंने चीनी और नारियल के बुरादे से इसको कोट किया है। बैटर को पोर कर ले, और मैंने गैस पे ऑलरेडी एक गहरा बर्तन चढ़ा रखा है जिसमें नमक डाल के मैंने उसको कवर करके प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है तेज़ आंच पे। ऊपर से थोड़े से और बादाम डालें और इसको दो बार डैप करें, और इसको बेक करना है आपको मीडियम फ्लेम पे करीबन 45 से 50 मिनट के लिए, या फिर जब भी आप नाइफ इंसर्ट करके चेक करो कि क्लियर मतलब क्लीन आ जानी चाहिए, तब आपका केक हो जाएगा। मुझे एग्जैक्टली 55 मिनट्स लगे थे गैस पे, तो आपको 45 मिनट के बाद नाइफ या फिर टूथपिक की मदद से चेक करना है कि केक हुआ है कि नहीं। उसको इंसर्ट करके देखिए, अगर एकदम क्लीन आ रहा है यानी कि उस पर बैटर चिपका हुआ नहीं है, तो मतलब आपका केक अच्छे से हो चुका है। तो मैंने उसी तरीके से चेक किया था। इसको डीमोल्ड कर लें थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। गैस पे बस ये होता है कि जो नीचे से कलर आता है वो ज़्यादा डार्क होता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो तो नीचे से ऊपर से हर तरफ से एक इवन कलर आता है केक का, क्योंकि गैस पे आपको सीधे नीचे से हीट मिल रही है, ओवन में हर तरफ से हीट फ्लो होती है। तो बस इतना फ़र्क है, बाकी केक ये भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। मैं कट करके आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, टेस्ट दोनों का ही सेम होगा, बस कलर की बात है कि ओवन में ऊपर और नीचे से अच्छा कलर आता है, इसमें नीचे से ज़्यादा डार्क कलर आता है। तो जो हमने शुगर से कोटिंग की थी पैन की, उसकी वजह से आप देख सकते हैं ज़्यादा ये ब्राउन भी है और ये क्रिस्पी भी है खाने में। तो आप जैसे मैदे से डस्ट करने की बजाय एक बार शुगर से डस्ट करके देखिएगा, बहुत अच्छा कलर आता है फिर केक का। ये देखिए बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट है, और वो भी बिना अंडे के। तो इस केक को आप भी बनाएं और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरीके की और भी रेसिपीज देखने के लिए, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको याद से प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। इसी के साथ दोस्तों, क्यूमन करिएगा फेसबुक इंस्टा पेज भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली बेसिस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर फूड से रिलेटेड ही फोटोज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़िए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए